क्या बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहिए, क्या उनको प्रदेश में पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए भेजना चाहिए? प्रौढ़ नागरिक जो थे वो अंदाज उम्र 70 साल की मेरे पास में आए और काफ़ी डिप्रेस, बहुत नर्वस, उदास, उम्र 70 साल की, अकेले रह रहे। बोले मैं बहुत उदास हूँ, बहुत अकेलापन महसूस होता है और अभी लगता है कि खुदकुशी कर लूँ, जीने में मतलब ही क्या है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, खाने की इतनी इच्छा होती नहीं है, वजन बहुत कम हो गया है, अकेला अकेला रहता हूँ। मतलब अभी हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या लगता है आपको? तो बताना चालू किया उन्होंने कि भाई एक करीब करीब 25 साल पहले उनकी पत्नी गुजर गई, पत्नी गुजरने के बाद में एक लड़का एक लड़की, उनको उन्होंने बहुत मेहनत से बड़ा किया, बहुत पढ़ाया, फिर एक कंपनी में उनका मतलब कैंपस इंटरव्यू में कंपनी में दोनों भी लग गए एक के पीछे एक, कंपनी ने हायर एजुकेशन के लिए उनको फिर अमेरिका भेजा, वहीं उन्होंने इंडियन ओरिजिन के जो लड़का लड़की थे उनके साथ में वहाँ शादी कर लिया। अभी ये सोच रहे हैं कि मेरा लड़का अच्छे कंपनी में नौकरी को लगा, वहाँ से वो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गया, लड़की भी वहाँ गई, अभी एक दिन तो यहाँ आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। मैंने इतना मतलब इनकी माँ जाने के बाद में इनको इतना बड़ा किया, उनका पाला पोसा, उनका एजुकेशन किया, पालन पोषण किया, एजुकेशन किया, और अभी वो उधर है, तो ये उम्मीद में थे कि अभी यहाँ आएंगे, अपनी लड़की जवाई वो भी आएंगे, लड़का उसकी मिसेस वो भी आएंगे, बहुत बड़ा मकान है वहाँ रहेंगे, लड़की के लिए अलग है, लड़के के लिए अलग है, और वहाँ मस्त रहेंगे, मज़ा करेंगे, अभी आखिरी के दिन जो है वो अच्छे रहेंगे। और एक दिन बैठे हुए थे, वहाँ से फ़ोन आ गया, बहुत उन्होंने उत्सुकता से फ़ोन लिया, और फ़ोन लिया तो लड़का बोलता है कि डैडी मैंने शादी कर लिया और अभी मेरे आने की इच्छा नहीं है, मैं यहीं अभी सेटल होने की सोच रहा हूँ, आपने जो मकान हमारे लिए रखा है वो मकान कोई वृद्धाश्रम को दे दो और आप भी कोई अच्छे वृद्धाश्रम में रहने के लिए चले जाओ, क्योंकि यहाँ आपको बुलाना भी हमारे लिए कठिन है, अमेरिका में रहना रखना भी बहुत कठिन है, तो आप वृद्धाश्रम में आप चले जाओ, हम जब जब हमको समय मिलेगा तब तब हम इंडिया में आएंगे और आपकी मुलाकात लेंगे। जैसे ही फ़ोन आ गया तो फ़ोन उनके हाथ से नीचे गिर गया, आंखों के सामने अंधेरा, और बहुत दुखी, एकदम ऐसा झटका बैठा कि भाई अरे ये क्या हो गया, मैंने इतने दिन सपना देखा था कि मेरे दिन अच्छे जाएंगे, अब ये लड़का बोलता है कि जो मकान है वो बेच डालो या वृद्धाश्रम को दे दो ना, आप भी वृद्धाश्रम रहने के लिए चले जाओ, और आप आओ भी नहीं, मतलब वो बोलता भी नहीं कि वहाँ आओ करके। सवाल ये होता है कि भाई लोग बोलते फिर अमेरिका मत भेजो, हायर एजुकेशन के लिए बाहर के देश में मत भेजो, और वहाँ रहने की सुविधा नहीं है, तो जब हम भेजते हैं वहाँ, तभी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई बच्चे जाएंगे वहाँ तो ऐसे ही होने वाला है। क्या होता है कि वहाँ फॉरेन कंट्रीज में आप जाते हो तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, तो वहाँ का मतलब पोल्यूशन फ्री जो वेदर है वो, और अच्छा सब मुझे दिखाया जाता है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, और उनको वातावरण में वो एक दो साल भी रह गए तो उनको लगता है कि वहीं सेटल हो जाओ, वो आने की इच्छा रखते नहीं इंडिया में। तो जब जाते हैं तभी माँ बाप ने अपना दिमाग क्लियर रखना चाहिए कि भाई जा तो रहा है, ये आएंगा नहीं आएंगा मालूम नहीं, क्योंकि हम उम्मीद करते बैठेंगे, अपेक्षा करेंगे, एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो उसमें से कुछ निकलने वाला है नहीं, यही होने वाला है डिप्रेशन। तो फिर जाना, भेजना, बिल्कुल भेजना जरूरी है, भेजना नहीं तो ऐसा भी है कि हायर एजुकेशन मिलेगा नहीं बच्चों को, यहीं रहेंगे, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ बहुत बड़ा सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा पसारा फैला हुआ है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स है, वो देखने के लिए कोई नहीं है, तो फिर जाने मत दो, पहले यहीं रखो, क्योंकि हायर एजुकेशन लेके करेंगे भी क्या, आखिर व्यापारी करना है। तो ये हम जब देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन जो है वो ऐसा बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ऑल अपसेट्स, जितने भी अपसेट है उसकी माँ जो है वो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं और वहाँ से फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ कि फिर अपसेट हो जाते, और ये जो है ये डिप्रेशन में चले गए और खुदकुशी करने तक, कि अभी मैं तो ऐसा लगता है कि खुदकुशी कर लूँ, फिर तो आएंगे बोले ये मेरे मरने के बाद में तो आएंगे डेड बॉडी उठाने के लिए, अभी आते नहीं बोले। तो इस तरह का डिप्रेशन है, मैंने उनको काफ़ी समझाया, मैंने ठीक है अभी देखो आप क्या संभव है,
अभी आपको पता नहीं है कि आप मरने के बाद में भी आप क्या है, मालूम नहीं क्या होता, तो हमने तो किसी ने देखा नहीं, हमने सोचा भी नहीं क्या होता है, तो मरते क्यों? अभी आप अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो आपका लाइफ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दे सकते हैं क्या? आपके पास में पैसा है, आपके पास में समय है, आप फिट है, चलो लड़का लड़की आते नहीं हैं, यहाँ आने वाले है नहीं, वो आपको वहाँ बुलाने वाले भी नहीं है और वहाँ रखने वाले भी नहीं है, चलो आप यहाँ क्या कर सकते हो? ऐसे आपके जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनके बच्चे एक तो बड़े सिटीज़ में शिफ्ट हो गए, वहाँ रहने के लिए आपको बुलाते नहीं है, या फॉरेन कंट्री में गए वहाँ रहने को आपको बुलाते नहीं है, आपने यहाँ छोटे गांव में आप है वहाँ कैसे रहेंगे, या वहाँ आपका पालन पोषण कौन करेगा? उसके लिए चलो वही काम करो, आप कॉन्ट्रीब्यूशन करो, कॉन्ट्रीब्यूशन में आपको जितना आनंद आएगा वो कहीं आएगा नहीं, तो योगदान दो, लोगों के जीवन में फ़र्क करो। और ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो लोग ये प्रॉब्लम को फेस करते होंगे और उनके पास में पैसा भी नहीं होगा, उनके लिए आप क्या कर सकते हो? तो काफ़ी दिन बाद फिर मुझे मिले वो, जब मिले तो उन्होंने बता दिया कि मैं सीनियर सिटीज़न क्लब भी मैंने ज्वाइन कर लिया है और वहाँ मैं काफ़ी योगदान देता हूँ, वहाँ जो भी लोग हैं उनको उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं मेरा समय देता हूँ, और वैसे ही काफ़ी सोशल वर्क हमने चालू किए, और हम अभी ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं जिनके बच्चे भी घर में नहीं हैं, दूर कहीं चले गए और अभी यहाँ वो अकेले अकेले, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक अच्छा एक सोसाइटी, एक हाउसिंग सोसाइटी हम बनाते हैं कि जहाँ वो लोग रह सकेंगे और अपना जीवन जो है आखिरी का वो अच्छा बिता सकेंगे, उसके लिए भी मैं बोले काम कर रहा हूँ, उनका डिप्रेशन भी निकल गया। मेरा शेयर करने का ये मकसद था कि एक्सपेक्टेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल अपसेट्स, उससे डिप्रेशन आता है, तो सभी जिनके बच्चे बाहर जा रहे हैं उन्होंने पहले से तय करना चाहिए कि या निश्चित करना चाहिए कि बच्चा आएगा नहीं तो क्या, तो फिर आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करो, वो लोगों को स्पेशली जिनके बच्चे उनके पास में नहीं है और बाहर पढ़ाई लिखाई करने के लिए गए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।